हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबडी नाउ आई एम गोइंग टू लर्न नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अगले फंडामेंटल के चैप्टर को आज हम जानेंगे रैम रोम पी रोम ई पी रोम के बारे में फिर हम जानेंगे एक ज्वेलरी स्टोरेज डिवाइस एक ज्वेलरी स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसको हम बोलते हैं एक ज्वेलरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें आते हैं मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क फिर हम जानेंगे ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत क्या क्या आते हैं सीडी, सीडी राइटर डीवीडी, डीवीडी राइटर ब्लू रे डिस्क ये जो पिक्चर जो हमने बनाया है ये मदरबोर्ड का पिक्चर है इस मदरबोर्ड पे रैम इंस्टॉल किया हुआ है इसी को बोलते हैं डेटा बस ये जो देख रहे हैं रेड कलर का ये हैं डेटा बस डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है ये है रोम तो आप देख रहे हैं रैम से डेटा सीपीयू में जा रहा है, है ना फिर सीपीयू से डेटा आउटपुट दिखा रहा है सीपीयू का डेटा डीवीडी में जा रहा है या सीडी में जा रहा है और सीडी का डेटा रैम होते हुए फिर सीपीयू में आ रहा है और ये वाइट कलर का जो है वो है एड्रेस बस ये था डेटा बस ये है एड्रेस बस अब चलिए मेमोरी को देखते हैं डेटा सबसे पहले हम इनपुट किए इनपुट होने के बाद डेटा का प्रोसेसिंग होता है प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा मेमोरी में जाता है मेमोरी में जाने के बाद डेटा को या तो स्टोर कर सकते हैं नहीं तो आउटपुट देखते हैं मेमोरी डिवाइसेज कौन कौन से हैं रैम रोम पी रोम ई पी रोम रैम का फुल फॉर्म होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक और होता है ईईपी ई पी रोम उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अब देखेंगे स्टोरेज डिवाइस एक ज्वेलरी स्टोरेज जो कि परमानेंट स्टोर करता है एक ज्वेलरी स्टोरेज मतलब परमानेंट स्टोरेज करता है जिसमें आ जाते हैं मैग्नेटिक टैप हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आ जाते हैं सी डीज डी ब्लू रे डिस्क अब देखें जब हमने इनपुट किया इनपुट होने के बाद वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि डेटा अर्थमेटिकल है या डेटा लॉजिकल है अगर डेटा अर्थमेटिकल हैं तो अर्थमेटिकल यूनिट उसका कैलकुलेशन करता है अगर डेटा लॉजिकल है तो लॉजिकल यूनिट सीपीयू के अंदर कैलकुलेशन करता है तो सीपीयू के अंदर क्या है दो यूनिट्स बने हुए हैं एक मैथमेटिकल यूनिट है जिसको हमने कहा अर्थमेटिकल यूनिट दूसरा लॉजिकल यूनिट है हमने क्या कहा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है डेटा को चेक करना जो डेटा मैथमेटिकल है या लॉजिकल है अगर डेटा मैथमेटिकल है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लेक्शन डिवीजन है तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर उसका वर्क करेगा अगर डेटा लॉजिकल है तो लॉजिकल यूनिट उसका वर्क करेगा फिर डेटा का वर्क सॉल्व होने के बाद वह मेमोरी में जाएगा मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस में जाएगा और मेमोरी से ही वो आउटपुट डिस्प्ले करता है अगला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस तो स्टोरेज डिवाइस के क्या क्या गुण हैं उसको जानेंगे अभी के जो स्टोरेज डिवाइस आते हैं उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है वोलेटिलिटी होते हैं एक्सेस मेथड होते हैं पोर्टेबिलिटीज होते हैं कॉस्ट एंड कैपेसिटी होते हैं अब चलिए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आज हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एट बीट्स एट बीट्स इक्वल टू कितना होते हैं तो वन बाइट तो देखिए हमने कितना लिख दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एट क्या है बीट से हैं है ना तो कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करता है वो बीट बाय बीट डेटा को एक्सेप्ट करता है इसीलिए कंप्यूटर में ऑन ऑफ करने के लिए जो बटन्स हैं वो है जीरो और वन जीरो से ऑफ़ हो जाता है वन से ऑन होता है तो वन ही वन जीरो क्यों लिया गया क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज है बाइनरी का बेस दो होता है जीरो और वन तो आपने जी देखा जीरो से ऑफ होता है वन से ऑन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर का डिवाइस है क्योंकि एक बार में यह एक बीट ही डेटा ट्रांसफर करता है तो जीरो एक बीट हो गया वन दूसरा बीट हो गया इसीलिए जीरो वन दिया ये बाइनरी डिजिट है ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू प्रोसेसिव वैल्यू जीरो एंड वन आपने देखा एट बिट्स इक्वल टू वन बाइट अब चलिए स्मॉल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट प्रोसेसर एंड मेमोरी स्पीड प्रोसेसर और मेमोरी का स्पीड कैसे बना है हम उसको चेक कैसे करते हैं इस चीज को जानिए मिलियंस सेकेंड मिलियंस क्या होता है ए थाउजेंड्स ऑफ अ सेकेंड है ना सेकेंड का हजारहां भाग मिलियन सेकेंड ए थाउजेंड ऑफ अ सेकेंड सेकेंड का हजारहावा भाग अर्थात दस पर पावर माइनस थ्री अगला देखते हैं माइक्रो सेकेंड किसको बोलते हैं ए मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड एक सेकेंड का दस लाख भाग ए मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड दस पर पावर माइनस सिक्स क्या होता है ए ऑफ़ सेकेंड दस पर पावर माइनस तो फिर से देख लेंगे मिली सेकेंड क्या होता है दस पर पावर माइनस थ्री ए सेकेंड क्या होता है दस पर पावर माइनस सिक्स ए क्या होता है दस पर पावर माइनस नाइन लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में जानिए मेमोरी स्टोरेज पावर्स ऑफ टू आर यूज बिकॉज कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज आर बेस्ड ऑन द बेसिस बेसिक यूनिट बीट तो क्या कहता है पावर्स ऑफ टू आर यूज जीरो और वन यूज किया गया था पावर के लिए कंप्यूटर में पावर देने के लिए तो आपने अभी जाना वन से ऑन होता है पावर बटन और जीरो से ऑफ होता है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज आर बेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट बीट अब देखेंगे किलोबाइट किलोबाइट क्या होता है वन थाउजेंड बाइट्स अर्थात वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स बराबर वन किलोबाइट अर्थात टू पर पावर टेन मेगाबाइट अर्थात एमबी बी अ मिलियन पर पावर ट्वेंटी बाइट पर पावर ट्वेंटी जो बाइट हैं, इसी को कहते हैं मेगाबाइट, गीगाबाइट क्या होता है पर पावर थर्टी अर्थात थर्टी मिनट्स ऑफ वीडियो वन बाई फोर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टिपिकल डीवीडी जो डीवीडी डी है उस डीवीडी में 30 मिनट का वीडियो जब हम देखते हैं तो उस डीवीडी का एक चौथाई भाग हमने देखा और एक जीबी में कितना बाइट हुआ तो एक जीबी में दो पर पावर 30 बाइट हुआ अब चलते हैं थोड़ा टेरा बाइट के बारे में जानते हैं टीवी के बारे में और ट्रिलियन दो पर पावर फोर्टी बाइट ये कितना बाइट है दो पर पावर फोर्टी बाइट है ट्वेंटी मिलियन फोर ड्रॉर फीलिंग केबिनेट्स फुल ऑफ टेक्स्ट अर्थात टू हंड्रेड डीवीडीज ऑफ इंफॉर्मेशन एक टीवी में कितना डीवीडीज़ होते हैं तो दो सौ डीवीडी स्टोर होते हैं जितना कैपेसिटी एक टीबी का होता है उतना ही कैपेसिटी टू हंड्रेड के होते हैं अर्थात 200 सौ बराबर वन टीबी हो गए अब चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं आपने देखा बीट बीट क्या होता है जैसे हमने बोला जीरो तो जीरो एक बीट हो गया वन बोला तो वन भी एक बीट हो गया अब बाइट क्या होता है जब डेटा इक्वल टू वन बाइट दस सौ चौबीस बाइट इक्वल टू वन किलो बाइट दस सौ चौबीस किलो बाइट इक्वल टू वन मेगा बाइट दस सौ चौबीस मेगा बाइट बराबर वन गीगा बाइट दस सौ चौबीस गीगा बराबर वन टेरा बाइट तब थोड़ा हम देख लेते हैं उसको बाइट में तो आपने देखा पर पावर टेन बाइट इक्वल टू वन किलो टू पर पावर ट्वेंटी बाइट इक्वल टू वन मेगाबाइट, टू पर पावर थर्टी बाइट इक्वल टू वन गीगा टू पर पावर फोर्टी बाइट इक्वल टू वन टेराबाइट। आज के क्लास में इतना ही फिर हम अगले क्लास में मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे आज हमने जाना मेमोरी में जो डेटा स्टोर होते हैं उस डेटा स्टोर करने के लिए मीजरमेंट यूनिट तो मीजरमेंट यूनिट के बारे में हमने अभी पढ़ा है जो कि बीट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट ये जो हैं मीजरमेंट करता है किसका मीजरमेंट करता है तो मेमोरी का मेजरमेंट करने के लिए काम आता है चाहे वो वोलेटाइल मेमोरी हो या नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो तो अभी आपने देखा मेमोरी के मेजरमेंट के बारे में फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में आज के लिए बस इतना ही डैट्स ऑल थैंक यू